तेज आंधी और बारिश से किसानों की बाजरे की फसल हुई बर्बाद। किसानों का कहना, काफी हुआ नुकसान। फिरोजाबाद में लगातार हो रही बारिश और तेज आंधी की वजह से थाना मरसेना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव फुलयाची में किसानों की कई बीघा बाजरे की फसल खराब हो गई। बारिश और हवा इतनी तेज थी, पूरी खड़ी की खड़ी फसल खेतों में बिछ गई। किसानों का काफी नुकसान हुआ है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमने 3 किसानों से बात की। उन्होंने अपनी अलग अलग फसल के बारे में बताया कि बारिश और आंधी से कितने कितने बीघा फसल बर्बाद हुई है। आपका प्रताप सिंह, कौन सा गांव प्रताप ना? गांव फुलयाची है। तो ये कल बारिश और तूफान आया था, आंधी आई थी, उससे आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा नुकसान बाजरा गिर गया और हमारे पास क्या चीजें हुई है। कितने बीघा खेती नुकसान हुआ? 4 बीघा खेती है हमारे पास। अच्छा। हाँ, 2 बीघा गर गई और 2 बीघा बची। जैसे का मेरा नाम है एमपी सिंह है। कौन से गांव के निवासी हैं? मेरा गांव केंद्रपुर है। ये जो कल बारिश और आंधी आई थी, उससे आपकी फसलों को क्या क्या नुकसान हुआ? फसलों का तो नुकसान हमारा ये मान के चलो गए, बाजरा तो बिल्कुल ज़मीन पर लेट गए हैं और 2000 रुपया बीघे की लागत लगती है बाजरा में और 1200 रुपये कुंटल बिकता है। एक बीघा में कितना बाजरा निकल जाता है, कितना एक कुंटल? एक बीघा में 2 कुंटल बाजरा, तो 2400 रुपये। 2400 रुपये तो अब वो ही नुकसान हो गया सारा आपको? वो नुकसान हो गया, बाजरा भी लेट गया। अब क्या करें, मैं पशु रखते हैं जानवर, इसलिए ये बाजरा करना पड़ता है। अच्छा, वैसे बाजरे में कोई बचत नहीं है? बाजरा में कोई बचत नहीं है। तो माना जाए तो आपके ऊपर दुगनी मार पड़ी है। दुगनी मार पड़ी है, क्या करें, अब किसान आदमी करे तो करे क्या? तो क्या चाहते हैं सरकार से? और सरकार देखो क्या करती है, सरकार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। किसान आदमी तो यही है, नुकसान पेट पे हाथ फेर कर है, या किसान का रहे होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय जी, ये कौन सा गांव पड़ता है आपका? गांव फुलयाची है। फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद में। तो कल आप जो आंधी आई, उससे आपका क्या क्या नुकसान हुआ, कितने बीघा खेती के नुकसान हुआ? 5 बीघा खेत का बाजरा साफ बिल्कुल गिर के नीचे, बिल्कुल गिर पा रहा हूँ, समझ लो खबाबे तक को कछू ना होता। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? और ये अगर सरकार कुछ मदद दे तो कोई भी बचता नहीं, भैंस पैसे कटाव नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। इनसे ही दाना चारा होता था क्या? जैसे दाना चारा जो खाए पी बचा, तो जय पंटे हुआ तो वो कहाते फिर।